हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूं नताशा। आज की खास खबर है बिग बॉस ओटीटी के बारे में। जी हाँ, रिव्यू लेके आई हूं मैं आपके लिए बिग बॉस ओटीटी। 8 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि कल उसका पहला एपिसोड था। मैं भी रात को एपिसोड बना मतलब रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज से रोज़ रात को आपको रिव्यू दिया जाएगा, ओनली रिव्यू। बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं बिग बॉस के लिए, मैं भी हूँ। तो अब शुरू हो गया तो देखना तो बनता है। वैसे ओटीटी है तो इतना ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट खबरें सुनने के बाद इंटरेस्ट आ जाता है। तो बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया है, और जिसके होस्ट है करण जौहर, जो कि बिल्कुल भी अपने रोल में अच्छे नहीं लग रहे हैं। वही थोड़ा अजीब सा अंदाज वो बार बार दिखा रहे हैं उसमें, जो कि सूट नहीं कर रहा है। पता नहीं इस अंदाज से वो किस तरीके से उन खिलाड़ियों के ऊपर सख्त रह पाएंगे जो आते ही गाली गलौज में लग गए। जी हाँ, आज के दिन ही गाली गलौज शुरू कर दी। और मुझे लगता है बिग बॉस को 16+ जो रखा गया है उसकी जगह ये 20 और 21+ रखना चाहिए, क्योंकि आते ही गाली गलौज और अजीब सी बातें शुरू हो गई। मैंने अजीब सा फिल्टर लगा लिया, अजीब लग रही हूँ मैं, अजीब बातें शुरू हो गई हैं। तो बिग बॉस ओटीटी में जो आज है दिखाया है बिग बॉस को, अब आप 24 घंटे देख सकते हैं वोट पर, वोट सिलेक्ट पर। तो आप भी अगर उसको अप्लाई मतलब खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। उसके बारे में आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता ये पॉलिसी के खिलाफ है या नहीं है। तो आज की जो बनाई गई है जोड़ियाँ बनाई गई है अलग अलग, तो कुछ जोड़ी मुझे अच्छी लगी है और कुछ जोड़ी बोरिंग होने वाली है। मुझे हमेशा से एक शांत से प्लेयर अच्छे लगते हैं, तो प्लेयर्स कुछ इस तरीके से हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है। शमिता शेट्टी, प्रतीक सहगल बहुत ही शोर शराबा मचाते हुए आए हैं। प्रतीक सहगल के जो पार्टनर है वो अक्षरा सिंह है, मुझे बड़ी क्यूट लगी वो। करण नाथ, ये दिलाशी गाना वाले जो करण नाथ है वो आए हैं, और करण नाथ के जो पार्टनर बनी है वो शमिता बनी है। तो देखते हैं ये कैसे रहेगा। ना, करण नाथ का जो पार्टनर है उसका भी मुझे नहीं पता। दिव्या अग्रवाल है वो नॉमिनेटेड हो चुकी हैं। इसके अलावा है राकेश बाबत, जो तुम बिन के हीरो हैं और जिनका डाइवोर्स अभी अभी हुआ है, उनका पार्टनर है शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी को तो आप जानते हो, वो पहले भी बिग बॉस में आ चुकी हैं, अभी हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है, तो इसलिए उनको बिग बॉस वाले लेके आए हैं। इसके अलावा है जुल्फी, जिनकी जोड़ी बनी है जिशान के साथ में, अतरंगी कपड़े पहन के आए थे बड़े अजीब से। हाँ, करण जौहर हैं अब साथ में, वो भी अतरंगी। यार, रात को मक्खी कहाँ से आ गई? अतरंगी कपड़े पहनते तो उन्हीं के जैसे ही लगे। नेहा नेहा का जो पार्टनर है वो है मिलिंद गाबा, क्यूट है पर थोड़े अजीब से कपड़े पहन के आए थे ये भी। मुस्कान है, रिधिमा पंडित है। तो आपका फेवरेट कौन है बताइएगा ज़रूर। और रिव्यू में मैं यही कहना चाहूँगी, आज आपको तो बताया इंट्रो कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और मैं हमेशा जो टीवी पर आएगा उसका वेट करूँगी। और यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।